पूरे देश के साथ रीवा में भी गणेश उत्सव मनाने की तैयारी हुई प्रारंभ। जगह जगह गणेश भगवान के विभिन्न रूपों को लेकर बनी मूर्तियों से सज गए हैं पंडाल। भगवान गणेश के 8 अवतार की वजह से उन्हें अष्ट विनायक भी कहा जाता है। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया की धूम। रीवा में धर्म परिवार करेंगे विशेष तैयारियां। पूरे देश के साथ रीवा में भी आज से गणेश उत्सव की धूम। रीवा में धर्म परिवार गणेश उत्सव पर करेगा विशेष तैयारी। हम आपको बता दें, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। वह दिन आज 31 अगस्त बुधवार को है। भगवान गणेश धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर 8 अवतार लिए, इसलिए उन्हें अष्ट विनायक भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए देश भर में खास तौर से महाराष्ट्र में इस पर्व की बड़ी धूम होती है। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान को विदाई दी जाती है। भगवान गणेश ने भी समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए। यह 8 अवतार में से पहला है वक्रतुंड अवतार, एक दंत अवतार, महोदर अवतार, विकट अवतार, गजानन अवतार, लंबोदर अवतार, बिंदराज अवतार, ध्रुमवर्ण अवतार। भगवान गणेश इन्हीं 8 अवतार की वजह से अष्ट विनायक कहलाए जाते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत के पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। भगवान गणेश को भव्य रूप से महाराष्ट्र में याद करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। आज यह बढ़ता हुआ पूरे देश में फैल गया है। जहां देखो वहां ही भगवान गणेश के भक्त नजर आते हैं, अपने आराध्य को अपने ही तरीके से याद करते हैं। रीवा में भी जगह जगह भगवान गणेश के पंडाल लगाए गए हैं। भक्तों ने अपने ही तरीके से भगवान को खुश करने के प्रयास चालू कर दिए हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिन सभी पंडालों पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। यहाँ पर पूजा पाठ तरह तरह के आयोजन का सिलसिला चल निकला है। अनंत चतुर्दशी के दिन तक इस दिन भगवान की विदाई कर दी जाएगी। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना नारे के साथ। रीवा में आज गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए धन परिवार ने पत्रकार वार्ता करके विशेष तैयारी की बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं गुरमीत सिंह मंगू से। इस महीने के लास्ट से शुरू नवरात्रि पर्व को इस जिले और शहर के अंदर धूमधाम से मनाने के लिए हिंदू उत्सव समिति का प्रयास पिछले 25 वर्षों से रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्ष 21 और 20 कोरोना के कारण सभी त्यौहार आम जनमानस के फीके पड़ गए। भगवान की कृपा फिर देश व शहर की जनता के ऊपर हुई है और इस बार वो त्यौहार जो 2 साल किसी कारणवश फीके पड़े थे, उसे उन 2 सालों की पूरी भरपाई करते हुए इसे इस साल और अति उत्साह से मनाने के लिए हिंदू उत्सव समिति के हमारे सभी साथी सभी सदस्यगण संकल्पित हैं और आपके बगैर, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, आप सभी हमारे पत्रकार साथी जोड़ने का काम करते हैं और जागरूकता पैदा करते हैं, और आपके बगैर हिंदू उत्सव समिति अधूरी सी दिखती है। तो आप सबसे भी आग्रह व निवेदन है कि इस बार हिंदू उत्सव समिति के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, गणेश उत्सव व गरबा महोत्सव में आपकी भागीदारी हो, और साथ ही इस ज़िले के अंदर जो प्रेम की संस्कृति है, सबको भाईचारे की संस्कृति है, सबके दुख सुख दुख में खड़े होने की संस्कृति है, उसको और हम अपनी युवा पीढ़ी की ओर बढ़ाएँ